بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق स्टूडेंट्स अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफ़ा नंबर तीन यानी थ्री खोल लीजिए जी स्टूडेंट्स उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर तीन खोल लीजिए स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर थ्री पर आपको कुछ अल्फाज के मायने समझाए गए हैं हमने हम की पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ अल्फाज के मायने समझे थे स्टूडेंट्स उन्हीं अल्फाज के मायने को आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे सफ़ा नंबर थ्री पर आपके कुछ अल्फाज मायने हैं जी उंगली फिंगर रखी अपनी मैं ये दिखा देती हूँ आपको सफ़ा नंबर थ्री स्टूडेंट सफ़ा नंबर थ्री पर ये अल्फाज मायने हैं इन्हें आपने कॉपी डाउन करना है इसके अलावा भी मैंने आपको हमद की पढ़ाई से पहले अल्फाज मायने लिखवाए थे वो भी ये तकरीबन दस से बारह हैं ये देख लीजिए पहला अल्फाज क्या है बरकत बर कत मायने क्या है नेमत का ज़्यादा हो जाना शान मर्तबा शान मर्तबा गवाही सबूत गवाही सबूत मौला मालिक या आका जी स्टूडेंट्स मौला मालिक या आका अजब अजीब और दूसरा मीनिंग्स क्या होता है अनोखा अजब अजीब अनोखा रग पालने वाला रग पालने वाला स्टूडेंट्स ये थे हमारे अल्फाज मायने जो हमने हम की पढ़ाई से पहले भी किए रहमत अनायत करने वाला हिम्मत हौसला इल्म, जानना आगाही दौलत धन माल तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे अल्फाज के मायने जो हम पहले कर चुके हैं आपने उन्हीं अल्फ के मायने को अपनी कॉपी पे साफ़ राइटिंग में नोट डाउन करना है अब आप सवाल नंबर दो देखिए स्टूडेंट्स आपकी किताब का सफ़ा नंबर तीन है उस पर आपका सवाल नंबर दो है मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ़ को कालम बे से मिलाएं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी है आपने न ज़बानी इंशाल्लाह याद कर ली होगी तो आपके लिए मिलाना कोई मुश्किल नहीं होगा जी स्टूडेंट्स देखिए कालम अलिफ पहले में पढ़ रही हूँ अल्लाह तू है रहमत वाला दूसरी लाइन ले लीजिए देती है हर चीज गवाही चाँद और सूरज फूल और तारे चौथी लाइन है इसकी हिम्मत देना इज्जत देना यह कॉलम अलिप में थी ये चार लाइनें अब कॉलम बे पर देखें क्या है पहली लाइन है पाक है तेरी जात इलाही दूसरी लाइन नाम है तेरा बरकत वाला तीसरी इल्म की आरब दौलत देना तूने बनाए कितने प्यारे तो स्टूडेंट पहली मिसाल आपको दी गई है देखिए अल्लाह तू है रहमत वाला इसको मैच किया है किससे मिलाया नाम है तेरा बरकत वाला दोबारा देख लीजिए अल्लाह तू है रहमत वाला नाम है तेरा बरकत वाला अब हमने दूसरी लाइन को मिलाना है तो देखिए देती है हर चीज़ गवाही जी स्टूडेंट देती है हर चीज़ गवाही किससे मिलाएंगे पाक है तेरी जात इलाही जी स्टूडेंट देती है हर चीज़ गवाही पाक है तेरी ज़ात इलाही हमने क्योंकि हम याद की हुई है तो हमें फौरन से अगला मिसरा याद आ गया कि क्या होगा देती है हर चीज़ गवाही देती है हर चीज़ गवाही पाक है तेरी जाती लाही अब देखें नंबर थ्री पर चाँद और सूरज फूल और तारे चाँद और सूरज फूल और तारे जी स्टूडेंट्स क्या आएगा तूने बनाए कितने प्यारे देखें कहाँ पर है येरा ग्रीन ये था चाँद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे हमने इसको इसके साथ मिला दिया अब आखिरी लाइन पढ़िए हिम्मत देना इज़्ज़त देना हिम्मत देना इज़्ज़त देना अब क्या आएगा इल्म की यारब दौलत देना वेरी गुड शाबाश इसको हम इसके साथ मिलाएंगे दोबारा से पढ़ लेते हैं हिम्मत देना इज़्ज़त देना इल्म की यारब दौलत देना तो स्टूडेंट आपने हम को जुबानी याद करना है ताकि जब आपको कोई कालम अलिफ़ और कालम बे से मिलाने को कहा जाए तो आपको फौरन नस्फ़ याद आ जाए दोबारा से देख लेते हैं अल्लाह तू है रहमत वाला इसको हमने कालम बे से मिलाना है नाम है तेरा बरकत वाला अल्लाह तू है रहमत वाला नाम है तेरा बरकत वाला देती है हर चीज गवाही देती है हर चीज गवाही पाक है तेरी जात इलाही देती है हर चीज गवाही पाक है तेरी जात चांद और सूरज फूल और तारे चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे हिम्मत देना इज्जत देना इल्म की यारत दौलत देना हिम्मत देना इज्जत देना इल्म की याग दौलत देना तो स्टूडेंट्स हमने मिसाल के मुताबिक कालम अलीफ को कालम बे से मिलाया उम्मीद है तमाम स्टूडेंट ने ये काम कर लिया होगा तो स्टूडेंट अब हम दिए हुए सवालों के जवाब लिखेंगे जी स्टूडेंट अपनी किताब का सफ़ा नंबर चार खोल लीजिए जी स्टूडेंट अपनी बुक का सफ़ा नंबर चार जी सवाल नंबर हमारा तीन है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें पहला सवाल क्या है किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है जी स्टूडेंट्स हमने नज्म पढ़ ली हमने याद भी की तो जल्दी से बताइए किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है शाबाश जी अल्लाह ताला की सात को रहमत वाला कहा गया है स्टूडेंट्स जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना है टू फिंगर मार्जिन लेना है लिखेंगे अल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात अल्लाह ताला की जात पाक को अल्लाह ताला की जात पाक को रहमत रहमत वाला कहा कहा गया है खत्मा जब जुमला मुकम्मल हो जाता है स्टूडेंट तो हमें लाजमी खत्मा लगाना होता है तो इससे हमें पता चलता है जब हम खत्मा लगाते हैं कि यहाँ हमारा एक जुमला मुकम्मल हो गया जी स्टूडेंट सवाल पढ़ लेते हैं किस की सात को रहमत वाला कहा गया है स्टूडेंट इस निशान को क्या कहते हैं उम्मीद है आपको पता होगा क्योंकि वन में भी पढ़ते आए हैं जी सवालिया निशान जब तक ये निशान हमारे पूछे गए सवाल में नहीं होगा वो आपका सवाल तस्वर नहीं किया जाएगा ये सवालिया निशान लगाना लाजमी है क्योंकि सवाल की पहचान ही सवालिया निशान है और जवाब क्या है इसका किसकी जात को रहमत वाला कहा गया है जी अल्लाह ताला की जात पाक को रहमत वाला जात पाक को जात पाक को रहमत रहमत वाला कहा गया है जी सवाल नंबर यहाँ पे नंबर नहीं दिए गए अली बे से ज़ाहिर किया गया है तो हमारा बे सवाल है इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं जी स्टूडेंट्स इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं तो इसका जवाब क्या होगा हमें फौरन से हम निकाल के याद देखें जरा उसमें कौन कौन से नाम है आपको अगर जुबानी याद है तो आपको फौरन याद आ जाएंगे जी सबसे पहले हम हमारी शुरू हुई है अल्लाह के नाम से तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर एक पर अल्लाह अल्लाह ताला ते तालाइन लाम खड़ी जबर या ताला अल्लाह ताला फिर है नंबर टू पर जे इलाही इलाही इला लाम के ऊपर खड़ी जबर इला ही नंबर तीन नंबर तीन पर है मालिक मालिक जी स्टूडेंट नंबर थ्री पे अल्लाह ताला का कौन से नाम से पुकारा गया मालिक नंबर चार पे देखिए नंबर चार पर रब रब जी स्टूडेंट याद आया कि रब किस उसमें आया था तू ही मालिक तू ही रब है जी अब हमारा नंबर फाइव पर मौला नंबर फाइव पर मौला जी ये कौन सी शहर था मौला तेरी शान अजब है तू ही मालिक तू ही रब है मौला तेरी शान अजब है यह हमारे इस शहर में था तो स्टूडेंट हमने कितने अल्लाह ताला के नाम लिखे हैं जी पांच। सबसे पहले नंबर एक पर अल्लाह ताला नंबर दो इलाही नंबर थ्री नंबर तीन मालिक नंबर चार रब रब के ऊपर ज़बर डाल लीजिए ताकि आपको पढ़ना आसान हो रे जबर बे रब नंबर पाँच मौला नंबर पाँच मौला जी स्टूडेंट हमारे दो सवाल मुकम्मल हुए तीसरा सवाल है यानी जीम 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 बताएं इस नज्म को हमद क्यों कहा गया है जी स्टूडेंट इस नज़्म को हम्द क्यों कहा गया है इसका मैं जवाब यहाँ पे लिख देती हूँ सवाल यहाँ पर मैंने पढ़ दिया है ख़ाली मैं जवाब लिखूँगी इस नल्ब को हम क्यों कहा गया है यहाँ पे इसका मैं जवाब लिख रही हूँ सवाल नंबर तीन का ठीक है स्टूडेंट सवाल नंबर तीन का मैं यहाँ जवाब लिख रही हूँ आपने जवाब के लिए मार्जन रखना है इस नर्स इस नर्स को हम इसलिए कहा कहा गया है क्योंकि क्यों के इस में अल्लाह की तारीफ अल्लाह ताला की तारीफ तारीफ अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है तारीफ बयान की गई है अल्लाह ताला की तारीफ़ तारीफ, तारीफ बयान की गई है अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है इस नाक को हम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें इसमें अल्लाह की तारीफ बयान की गई है जी स्टूडेंट सवाल नंबर यहाँ आपकी बुक में तीन सवाल दिए गए हैं मैंने दो सवालों का और इजाफा किया है स्टूडेंट्स उन दो सवालों को हम अगले सबक में इनशाला शामिल करेंगे स्टूडेंट्स अब हम अपने चौथे दिन का काम शुरू करेंगे तीसरे दिन के काम में हमने सवालों के जवाब का सिलसिला शुरू किया हमने तीन सवालों के जवाब मुकम्मल किए थे अब हम बाकी के दो सवाल चौथे दिन के काम में मुकम्मल करेंगे स्टूडेंट तैयार हैं आप लोग जी हमारा जीम तक सवाल मुकम्मल हो गए थे इस सवाल को हमने दाल का नाम दिया है सवाल हमारा है हर चीज़ किस बात की गवाही देती है जी स्टूडेंट सवाल क्या है हर चीज किस बात की गवाही देती है जवाब है इसका हर चीज अल्लाह ताला के इस दुनिया में मौजूद होने की गवाही देती है जी स्टूडेंट सवाल है हर चीज किस बात की गवाही देती है जवाब इसका है हर चीज़ यानी कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन आसमान सूरत चाँद तारे पहाड़ सब चीज़ें अल्लाह ताला के इस दुनिया में मौजूद होने की गवाही देती हैं देती है, मौजूद होने की गवाही देती है अब है, है इस सवाल को हमने क्या नाम दिया है हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है जी स्टूडेंट आपके जहन में फ़ौर आ गया होगा जी बिल्कुल सही हमारी बिगड़ी हुई बात सिर्फ अल्लाह ताला बनाता है बनाता है यानी संवारता है आसान कर देता है अल्लाह ताला हमारी बिगड़ी हुई बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बनाता है सिर्फ और अल्लाह अल्लाह ताला ही अल्लाह ताला ही बनाता बनाता है जी स्टूडेंट यहाँ हमारे सवालों के जवाब का सिलसिला मुकम्मल हुआ दोहरा देती हूँ सवाल नंबर एक से जो हम अपने तीसरे दिन के काम में कर चुके हैं सवाल अलिफ़ है किस की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है बे सवाल हमारा है बे इस नज़्म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं जवाब में हमने लिखा था नंबर एक अल्लाह ताला नंबर दो इलाही नंबर तीन मालिक नंबर चार रब नंबर पांच मौला सवाल हमारा जीम है बताएं इस नज्म को हमद क्यों कहा गया है इस नज्म को हमद इसलिए कहा गया है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई है और हमारा दाल आ जाता है सवाल हर चीज किस बात की गवाही देती है जवाब हमने लिखा हर चीज अल्लाह ताला के इस दुनिया में मौजूद होने की गवाही देती है सवाल हमारा है हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है हमने जवाब लिखा है आपने ये मार्जिन लाजमी देना है जवाब लिखते हुए हमारी बिगड़ी हुई बात सिर्फ अल्लाह ताला ही बनाता है तो स्टूडेंट सवालों के जवाब हमारे मुकम्मल हुए स्टूडेंट आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर चार खोल लीजिए यहाँ मिलकर काम करें दिया हुआ है यह आपके काम आपके करने का काम है स्टूडेंट मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ इस तस्वीर को आपने गौर से देखना है और नीचे दिए हुए सवालों के जवाब देने ज़बानी तो स्टूडेंट ये देख लीजिए ये हैं हमारी तस्वीर सफ़ा नंबर चार पर स्टूडेंट सफ़ा नंबर चार पर आपको ये तस्वीर दिखाई गई है अब आपने इस तस्वीर को बड़े ग़ौर से देखने हैं जी अब नीचे देखिए मकान के सामने क्या कुछ नजर आ रहा है जी मकान के ये देखिए सवाल मकान के सामने क्या कुछ नजर आ रहा है वैसे तो ये स्टूडेंट्स आपने खुद आंसर देने लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट्स दे देती हूँ आपने किस तरह ये देखें ये घर है घर के सामने क्या एक बाग है जी ये देखें ये बाग है दोनों गार्डन जिसे कहते हैं तो मकान के सामने क्या कुछ नजर आ रहा है बाग है बाग में दरख्त है फूल है और मुख्तलि किस्म के पौधे लगे हुए हैं घास है और ये रास्ता पैसेज बनाया हुआ है कि आप घास को ख़राब ना करें और आसानी से यहाँ से गुज़रें और ये क्या है डस्टबिन है कूड़ेदान है जिसमें हम कूड़ा डालते हैं तो स्टूडेंट इसी तरह आपने सवालों के जवाब देने हैं दूसरा सवाल देख लीजिए दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है जी स्टूडेंट दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है सबसे बड़ा फ़ायदा तो सूरज से हमें ऑक्सीजन मिलती है जी सूरज दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है दरख्त हमें साया फ्राहम करते हैं जी उसके जब दरख्त घने होंगे हम उसके साए में बैठते हैं ठंडी ठंडी छाँव होती है और दरख्त का क्या फ़ायदा है एक और फ़ायदा यह है कि दरख्त की लकड़ी हमारे बहुत से काम आती है फर्नीचर बनाने में खेलों का सामान बनाने में काम आती है सबसे बड़ा फायदा इसका ये है अब तीसरा सवाल देखिए इस तस्वीर में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं आपने वजह बतानी है तो आप इस तस्वीर को गौर से देखें और बताएं कि आपको क्यों पसंद है या आपने खुद आंसर सारे लिखने हैं तो स्टूडेंट चौथे दिन के काम में हमने ये काम किया ये आपने अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करना है वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं क्या आपको तस्वीर देखकर आपको बता सकते हैं जी स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं लफ्जों का खेल यह हमारा सफ़ा नंबर पाँच पर है तो स्टूडेंट सफ़ा नंबर पाँच अपनी किताब का खोल लीजिए थोड़ी देर के लिए कर मैं लिख लूँ स्टूडेंट्स अपनी किताब का सफा नंबर पांच खोल लीजिए जी सबक सफ़ा नंबर पांच सफा नंबर पांच पर स्टूडेंट्स लफ्सों का खेल जी स्टूडेंट्स क्या है लफ्जों का खेल अब आप अपनी किताब के सफा नंबर पाँच पर देखिए कि कुछ तस्वीर दी गई हैं पहली तस्वीर फूल दूसरी मूली मूली तीसरी आम आम चौथी आड़ू जी आड़ू और आखिरी तस्वीर है गाजर स्टूडेंट्स इन तस्वीर के नाम ढूंढ कर उनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे खाली जगह में आपने लिखना है लफ्ज़ों का खेल कैसे जैसे मैंने यहाँ आपको ये मुख्तलिफ हरूफ दिए यहाँ से आपने पहली तस्वीर का नाम ढूंढना है पहली तस्वीर क्या है हमारी फूल क्या है फूल जी कैसे हम ढूंढेंगे जी स्टूडेंट आप देखें कहाँ फूल किससे बनता है फे तो देखें यहाँ कहाँ लिखा है फे ढूंढना शुरू करें ये देखें कहाँ है जी पहली रो में ये है फे तो हमने यहाँ से दायरा लगाने और देखें फूल कैसे बनता है फे जी ये तो फज हो गया फूल हमारे मोट जो हैं वो गोल हो रहे हैं इसका मतलब क्या आएगा वाओ तो ये देखिए बिल्कुल फे के सामने क्या है वाव। तो हमने दायरा लगाना है फू और आखिर में लाम तो हमने ये पहली तस्वीर का नाम ढूंढ लिया अब आपको नीचे दे गई है खाली जगह यहाँ आप इसका नाम लिखेंगे फे फू लाम साकिन, फूल जी स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने नाम ढूंढकर दायरा लगाना है पहले और नीचे खाली जगह में लिखना है नंबरिंग दी गई है ये हमारे कौन से नंबर पर थे नंबर वन अब नंबर टू फिर है नंबर थ्री इस तरीके से आपने लिखते जाने है। फिर नंबर चार और नंबर पाँच पे नंबर दो पे पिक्चर कौन सी थी मूली तो स्टूडेंट इसे फ़ौरन से ढूंढिए मूली किससे शुरू होता है मीम से जी स्टूडेंट्स मीम मीम के साथ क्या होगा मू जी अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमारे होंठ गोल होते हैं बोलते हुए तो आपने फौरन से समझना है कि वहां क्या आएगा वाओ तो हमने मीम के साथ वाव देखना है कि कहाँ आ रहा है? जी ये देखिए ये मीम और ये वाव ये बन गया मो, हमने क्या ढूंढना है हमने ढूंढना है मूली तो आगे देखते हैं क्या है आगे तो जीम आ रहा है तो इसका मतलब ये तो मौज बन गया मूली तो नहीं है कहीं और देखते हैं जी काफ के बाद मीम अब देखते हैं कहीं इसके आगे तो अलिफ है नीचे वाओ जी मीम वाओ मू अब आगे और देखें लाम छोटी ये ली तो इसका मतलब हमने इसको मीम वाओ मू और लाम छोटी ये ली के गिर दायरा लगाया और हमने फिर इसी तरीके से नीचे लिखना है मुकम्मल मीम व मोम लाम छोटिए ली मोले स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी तस्वीर को ढूंढ के उसके नाम के गिर दायरा लगाने और फिर नीचे दी गई खाली जगह में लिखना है स्टूडेंट चौथे दिन का काम हमारा मुकम्मल हुआ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़